हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। लवर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, ब्यूटिफुल, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। एम्परर, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। द स्टार, वाओ, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। चैरियट, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। बॉटम, हर्मिट, ओके, वाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, तैयार रहना आप लोग। आपके पार्टनर्स बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और अगर वो ऑलरेडी आपके साथ तो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी तो वो चीज़ें भी ठीक करेंगे। अगर वो इन एंड आउट करते थे आपकी लाइफ में, तो अब जो आ रहे अब वो परमानेंटली आएंगे। अगर आप लोग डिसबैलेंस हो तो वो आते जाते रहेंगे, अगर आप लोग फुल्ली बैलेंस्ड हो तो वो इस बार परमानेंटली आपकी लाइफ में आएंगे, जो भी मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर। पहले अगर वो ईगो दिखा रहे थे तो उनको रियलाइज हुआ है कि वो क्या खो रहे हैं। अगर वो किसी और की वजह से ईगो, एम्परर ये भी दिखाता है कि कोई फादर फिगर या कोई मदर फिगर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे भी स्टैंड लेंगे आपके लिए, क्योंकि ये उनकी विश है, आपके साथ आगे बढ़ना उनकी विश है और वो चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े। ठीक है, अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ एक एक, प्लीज आदिमा क्लेंस कीजिए और मुझे बताइए। लवर्स क्यों आया, मेरे राधा कृष्ण क्यों आए, ओके, वाओ, आई एम सॉरी, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बिकॉज जब आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आएगी तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी। ओके, लवर्स को, लवर्स के बाद टेम्परेंस आया, राइट, और लवर्स को क्लैरिफाई टेम्परेंस ने किया, तो बहुत लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। देखते हैं लवर्स क्यों आया। वाओ, ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैसेज आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है शादी के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर अब खो, अब ऐसा महसूस करे कि वो आपको खो देंगे और वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और ये उनकी विश है कि वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेंस क्यों आया। माँ प्लीज बताइए टेम्परेंस कार्ड क्यों आया। आई डोंट नो क्या हो रहा है ये कार्ड के साथ, या तो ऐसा लगता है कि माँ सच्ची में यहाँ पे आ गई है और एक्चुअली कार्ड वैसे निकाल रही है।
ओके, लवर्स को क्लैरिफाई किया टेम्परेंस ने, राइट? इसमें टेम्परेंस आया था। अब टेम्परेंस के बाद आया था एम्परर, राइट? और टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। सो जिसकी वजह से उनका कुछ भी हो सकता है, ईगो होगा, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, लोग समाज या फैमिली या किनकी किसी की भी वजह से अगर उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, ठीक है, और उनको शायद फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे जिसकी वजह से उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, बट बहुत कोशिशों के बाद भी वो आपको भुला नहीं पाए, अभी भी आपका नाम उनके दिल और दिमाग में रखा हुआ है, वो आपको पल पल याद करते हैं, जैसे वो रात को सोते हैं ना तो उनको सिर्फ आपका ही ख्याल आता है कि आप क्या कर रहे होंगे, आप कैसे हो, चाहे वो लोगों को कुछ भी दिखाए, पूरी दुनिया को कुछ भी दिखाए, बट उनके अंदर आपके लिए जो प्यार है ना वो कोई नहीं बता सकता और कोई बदल भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं और वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक और गाइडेंस आ रही है, अगर उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है, तो उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है या मिल गया है, उसकी खुशखबरी भी वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि आपके पार्टनर का नेचर पूरा बदल गया होगा। ओके, अब देखते हैं चैरियट क्यों आया। माँ प्लीज बताइए चैरियट क्यों आया, क्या वो आ रहे हैं उनके पास? चाहो चैरियट क्यों आया? वाओ, सॉरी सॉरी, कैमरा हिल गया था। चाहो चैरियट क्यों आया, प्लीज बताइए ना, थोड़ा और क्लैरिफाई दीजिए। लगा ही था मुझे, जरूरी है। क्या जजमेंट लेंगे, क्या जजमेंट लेंगे? ठीक है, बहुत सारे निकल गए, सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे आज। ओके, देखिए, अगर उन्होंने पहले कहाँ गया, अगर उन्होंने पहले आपको फैमिली या अपनी वर्क लाइफ की वजह से इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया, पूरा लेट डाउन किया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और आपके लिए ऐसे दिखा कि आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए, उसके बाद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लोग समाज की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और उसी दौरान उनकी हीलिंग भी स्टार्ट हो गई, उनको पता ही नहीं चला, उनका दिल लिटरली टूट गया क्योंकि वो आपसे दूर है। और वो क्यों टूटा? क्योंकि उनको कोई धोखा मिला है रिसेंटली, धोखा इन द सेंस बहुत अकेला महसूस कर रहे, लोग होंगे उनके आसपास तब भी वो अंदर से अकेला महसूस कर रहे होंगे, और वो मैनिफेस्ट कर रहे ये बैड मूवमेंट से बाहर निकलने की, और वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, और ये फैसला उन्होंने ले लिया है, और वो सब एंजल्स की बदौलत लिया है, सॉरी सॉरी, एंजल्स की बदौलत उन्होंने ये फैसला ले लिया है।
बिकॉज आप लोगों ने इतना प्रे किया, आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया. जिन्होंने नहीं किया है काम, मैं अभी भी बोलती हूँ प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ. बहुत स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगी, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो भी ट्रेडिशनल वे में. बोलते ना बारात लेके आऊंगा, या मैं या तुम मेरे यहाँ बारात लेकर आना, मैं दुल्हन की तरह सजूंगी, जो भी. ठीक है, सपने देखते हैं वो आपके साथ, आपके साथ बिताना चाहते हैं हर एक पल. माँ तारा क्यों आई, स्टार क्यों आया, क्या विश है, क्या विश है मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की, बताइए. बहुत झगड़े हो रहे, रिलीज करना है उन्हें. उनकी विश है आपके साथ घर बसाना. ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो वहां पे फाइट कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी 99% फैमिली से ही कोई है. या तो उनका सोच है, वो क्या सोचते हैं ना उसके ऊपर है, और इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि आपके साथ ही वो स्टेबल महसूस करेंगे, आपके साथ ही वो खुशी महसूस करेंगे. और उनकी विश भी यही है, उनको आप ही के साथ आना है, आप ही के पास आना है, और वो बहुत जल्द आएंगे. आप प्लीज निराश मत होना. अगर यहाँ पे बहुत अगर यहाँ पे अगर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है ना आपको, तो होप मत हारो, सब कुछ होगा. अब देखते हैं हर्मिट क्यों आया, हर्मिट क्यों आया, माँ हर्मिट क्यों आया, प्लीज बताइए. ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे डेक्स को कुछ भी होता ना मैं मतलब बेचैन हो जाती हूँ. हर्मिट क्यों आया, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा उदास है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने छोड़ा, क्यों आपसे इतने दूर हुए, क्यों आपसे खफा हुए, क्यों वो जगल कर रहे थे. अगर कभी आपके साथ कभी थर्ड पार्टी वो जगल करते थे तो वो ये क्यों हो रहा था, हर एक चीज वो आपको बताएंगे और वो एक सोल्यूशन पे लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, क्या मैसेज आएगा, क्या वो वापस आएंगे. एक मिनट मैं डेक निकालती हूँ. गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है. उसमें आपको सब गाइडेंस मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, एंड उसमें सब कुछ गाइडेंस मिलेगा. कब तक आपके पार्टनर आएंगे, आपको रुकना चाहिए कि क्या, सब कुछ मिलेगा. ओके, अब देखते हैं. माँ प्लीज बताइए मेरे YouTube फैमिली के पार्टनर्स
नेक्स्ट एक्शन मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए क्या होगा, प्लीज बताइए। इतने सारे तो नहीं। ओके वाओ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके और क्या है मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन? क्या मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स उनको कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, प्लीज बताइए ना। एक और कार्ड दीजिए माँ। एक और कार्ड दीजिए माँ। क्या मेरे YouTube फैमिली के पार्टनर्स उनको कांटेक्ट करेंगे? ओके मिल गया जवाब। डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, इसीलिए आप दूसरा कार्ड नहीं दे रहे थे, पहले में ही आपने बता दिया था। ठीक है ओके। अभी फिलहाल आपके पार्टनर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, वो अभी फिलहाल अपने रूट चक्र पे काम करे, अपने फाइनेंसेस पे काम करे, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करे। उन्होंने होप नहीं हारा, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। उनका इंट्यूशन भी उनको गाइड कर रहा है कि उनको आपके पास आना है, और जैसे वो बैलेंस होंगे ना वो जल्द से जल्द आपके पास आएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 666 दिख रहा होगा, 99666, 1111 या 1111, 1111 एंड 4444। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। यहाँ पे 555555 भी दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, यहां से आज से लेके 6 घंटे 6 दिन, जब भी आप ये वीडियो देखिए, 6 घंटे 6 दिन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो आपको कितना मिस करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्यों ऐसा किया, सब कुछ वो बताएंगे। डेफिनेटली वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, वो मैसेज करेंगे, बहुत सारे लोगों को मैसेज आने वाला है, और वो एक न्यू बिगनिंग भी करेंगे आपके साथ, क्लैरिटी के साथ वो एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। क्लेम कीजिए ये एनर्जी को, कमेंट में लिखिए कि ये एनर्जी मैं क्लेम कर रहा हूं या कर रही हूं, और मुझे बताएं क्या ये रेजोनेट हुआ आपको। और जिन जिन पार्टनर्स का मैसेज आता है प्लीज मुझे कमेंट में लिख के मुझे बताए, ताकि बाकी लोग होप्स ना हारे। आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप में लिख देते हो कि मैम हो गया, उनका मैसेज आ गया, बट कमेंट में भी लिखो। चलिए अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। माँ प्लीज बताइए मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। ओके मैं दोनों के लिए देख लू, दोनों के लिए देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए निकालूंगी, यहाँ पे आपके पार्टनर्स के लिए। ठीक है, प्लीज माँ गाइड कीजिए।
आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। अगर आप रोते रहते हो ना तो बाहर निकलो वो कंफर्ट जोन से। आप जिस आंसर्स का वेट कर रहे हो ना, आपके पार्टनर्स बहुत जल्द आके आपको वो आंसर्स देने वाले हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि हाँ ये सब कुछ खत्म हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे जिंदगी बिताओ, अब तो सब कुछ मिट गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तो फिर नथिंग विल कम आउट ऑफ इट, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठन ठन गोपाल। ठीक है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आप बहुत नजदीक हो। अभी इतना नजदीक आने के बाद अगर आप गिव अप करोगे ना तो सही नहीं है ना, तो बुरा है। लक इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड, आप ही के साइड पे लक है, एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सब कुछ अगर आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे, आपको जस्टिस भी मिलेगा, ये साइन है जस्टिस का, आपको जस्टिस भी मिलेगा, बैलेंस होगा सिचुएशन। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो कैसे होगा, ये आपके पार्टनर्स की देखते हैं। होल्ड योर विजन, इमोशंस आर रनिंग हाई, ऑफ कोर्स इमोशंस विल रन हाई, अभी तो कल गया है अमावस्या, न्यू मून, शो द वर्ल्ड द रियल यू, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके पार्टनर्स बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जहां पे उनको सुकून मिलता है ना वहां पे वो एक्शन लेंगे, और उनको फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाला है बहुत जल्द, एंड वो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर आप लोग ट्रू लव हो, अगर वो आपके ट्रू लव है और आप उनके ट्रू लव हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, शायद वो आपको बताए ना बताए, बट वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन क्या क्या अच्छा लगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।